हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स, वो प्रोसेस जिसमें फीमेल गैमेट्स बन जाता है, बनता है, उसे हम कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मैकेनिज्म, गैमेट्स आर डिराइव फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। कहते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं। प्राइमरी जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड इन द एपिब्लास्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। जब एम्ब्रियो सेकेंड वीक में होता है उस दौरान प्राइमरी जर्म सेल जो होते हैं एपिब्लास्ट से बनते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये एक क्या है, एम्ब्रियो है, यहाँ पे ये सेकेंड वीक है और यहाँ पे ये एपिब्लास्ट सेल नजर आ रहे हैं। इन एपिब्लास्ट सेल से जो होते हैं प्राइमरी जर्म सेल जो होते हैं ये वाले बनते हैं। देन दे मूव टू द वॉल ऑफ द यॉर्क सैक। जो ये प्राइमरी जर्म सेल्स हैं ये मूव करते हैं यॉर्क सैक की तरफ। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल आ गए हैं। इन द फोर्थ वीक में दे अराइव इन गोनेड्स बाई द एंड ऑफ फिफ्थ वीक। जब फिफ्थ वीक हो जाएगा तो ये प्राइमरी जर्म सेल जो होते हैं यॉर्क सैक से कहाँ पे मूव कर जगह चले जाएंगे, गोनेड्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यॉर्क सैक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी जर्म सेल है, यहाँ से ये मूव करके गोनेड्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड जेनिटल रिजिस। मैंने बताया था कि एक एम्ब्रियो के अंदर जो गनेड्स होते हैं उन्हें हम जेनिटल रिजिस का नाम देते हैं। उगोनिया फॉर्मेशन एंड डिजनरेशन। इन ह्यूमन एम्ब्रियो थाउजेंड और सो उगोनिया डिवाइड रैपिडली फ्रॉम सेकेंड टू सेवन मंथ ऑफ गेस्टेशन। कहते हैं कि सेकेंड से सेवन मंथ के दौरान जो उगोनिया होता है वो तेजी के साथ डिवाइड करता है। दे फॉर्म 7 मिलियन जर्म सेल, वो ऑलमोस्ट 7 मिलियन जर्म सेल बना देता है। आफ्टर 7 मंथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 7 मंथ बाद क्या होता है, नंबर ऑफ जर्म सेल ड्रॉप शार्पली। जो नंबर ऑफ जर्म सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। मोस्ट ओगोनिया डाई दिस पीरियड, 7 मंथ बाद जो होते हैं ओगोनिया बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। द रिमेनिंग ओगोनिया जो बचते हैं एंटर फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, तो वो क्या करते हैं, मियासिस वन स्टार्ट कर देते हैं। दीज लेटर सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट्स, तो वो सेल जो क्या करते हैं मियासिस को स्टार्ट कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। याद रखिएगा कि मियासिस वन जो स्टार्ट हुई थी वो डिप्लोटिन स्टेज में जाके क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और रिज्यूम एंड रिज्यूम एट प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी की स्टेज में जाके क्या हो जाएगी, मियासिस वन कंप्लीट हो जाएगी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये डिप्लोटीन की स्टेज है, यहाँ पे आके क्या होगी, मियासिस वन जो होगी स्टॉप हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। ये प्रोफेस वन की स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में से डिप्लोटीन की जो स्टेज है यहाँ पे आके मियासिस वन जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। द प्राइमरी ओसाइट प्रोग्रेस थ्रू द फर्स्ट मियाटिक प्रोफेस अंडर द डिप्लोटीन स्टेज। एट दिस पॉइंट दे आर मेंटेन अंटिल द फीमेल मच्योर। प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो डिप्लोटीन की स्टेज तक जाके खुद को क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है। एट दिस पॉइंट दे आर मेंटेन अंटिल द फीमेल मच्योर। फीमेल जो होती है जब तक मच्योर नहीं होती, प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ग्रुप्स ऑफ ओसाइट रिज्यूम मियासिस। जब फीमेल प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाती है ओसाइट जो होते हैं वो मियासिस वन को दोबारा रिज्यूम कर देते हैं। दस इन ह्यूमन एम्ब्रियो फर्स्ट पार्ट ऑफ मियासिस बिगन इन एम्ब्रियो। मियासिस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एम्ब्रियो में स्टार्ट होता है। द सिग्नल इज नॉट गिवन अंटिल 12 ईयर्स लेटर टू रिज्यूम मियासिस। जब तक फीमेल 12 ईयर्स की नहीं हो जाती सिग्नल नहीं दिया जाता मियासिस को रिज्यूम करने का। ओनली 400 ओसाइट मच्योर ड्यूरिंग द वोमेन लाइफ टाइम आउट ऑफ मिलियंस। मिलियन में से ओनली 400 ओसाइट जो होते हैं मच्योर होते हैं। उगोनियम, उगोनियम एम्ब्रियो स्टेज में माइटोसिस करता है और क्या बना देता है, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट जो होता है मियासिस वन को इनिशिएट कर देता है लेकिन अरेस्ट हो जाता है प्रोफेस वन में। इसके बाद जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो ये क्या करता है, मियासिस वन जो होती है कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ओसाइट बनता है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी ओसाइट जो होता है अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज टू में।
मेटाफेज टू में फिर जाके ये अरेस्ट हो जाता है। जब तक स्पर्म नहीं आता और इसको फर्टिलाइज नहीं करता उस वक्त तक क्या होता है, ये अरेस्ट की हालत में ही रहता है। जब स्पर्म आया स्कैंड्रियोसाइट के साथ मिला तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से एक मच्योर एग या फर्टिलाइज एग तैयार हो जाएगा और एम्ब्रियो बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। जो पोलर बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ओगोनियम था, इसने क्या किया, माइटोसिस स्टार्ट कर दी। प्राइमरी ओसाइड जो होगा ये क्या करेगा, मायोसिस करेगा लेकिन अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज वन में। उसके बाद हमने कहा कि जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है मायोसिस वन जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसमें क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। लेकिन ये जो सेकेंडरी ओसाइट होता है दोबारा अरेस्ट की हालत में चले जाता है। जब स्पर्म आया इसने क्या किया कि सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज किया और क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन कर दी, तब जाके क्या होगा, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो पोलर बॉडी है ये डीजनरेट हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना भी ख्याल रखें।